गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 7.1 के आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 4। लेट वाई इज इक्वल टू sec x माइनस 1 अपॉन में sec x प्लस 1। अब देखो इस फलन का हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष आकलन करना है। तो यहां से देखो यदि हम किसी भी फलन का x के सापेक्ष आकलन करते हैं तो उसके अंदर यदि हमारे पास उसके अंदर हम मेथड अलग लगाएंगे तो उसके अंदर आंसर अलग आएगा। यानी आकलन और समाकलन में यदि हम मेथड अलग लगाते हैं, विधि अलग लगाते हैं, तो उसके अंदर आंसर अलग आता है, लेकिन आपके पास वो आंसर सही होता हो, क्योंकि उस फलन का या तो अवकलन हो, वो अवकलन होना चाहिए, या फिर उस फलन का क्या होना चाहिए, समाकलन। ठीक है, यदि मैं इसका y इक्वल टू sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1 इसका मैं यहां डायरेक्ट यहां से अवकलन करूं तो आपके पास यहां से आंसर नहीं मिलेगा इसका। यदि मैं इस sec को cos के पदों में चेंज करता हूं तो आपके पास आंसर मिल जाता है। यदि मैं इसको cos के पदों में चेंज ना करके इसका मैं अवकलन करता हूं तो भी आपके पास उत्तर सही है, और यदि मैं इसको sec को cos के पदों में चेंज करके इसका आकलन करूं तो भी उत्तर सही। यानी दोनों ही विधि के अंदर जो भी आंसर आएगा आपके पास वो दोनों आपके पास क्या होंगे, सही। कहने का मतलब है कि दिया गया जो फलन है उसका हमारे पास क्या होना चाहिए, आकलन होना चाहिए। वो कोई किसी भी फॉर्मूला का यूज करें या फिर कोई भी विधि का यूज करें हम। ओके, तो देखो मैं इसको sec cos के पदों में चेंज कर रहा हूं। यदि मैं इसको cos के पदों में चेंज करता हूं तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर मिल जाएगा आपके पास उत्तरमाला में। तो मैं इसको sec cos के पदों में चेंज किया, y इज इक्वल टू sec को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos x माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन cos x प्लस 1। इसके नीचे 1 करो, इसके नीचे 1 करो, एलसीएम कितना है आपके पास, ऊपर cos x एलसीएम, नीचे cos x एलसीएम। तो देखो ऊपर cos x एलसीएम, नीचे cos x एलसीएम, cos से cos क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x, ये आपके पास हुआ। यानी नया आपके पास फलन कितना आया, y इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब इसका हम आकलन करेंगे यहां से। ओके, पहले sec को हमने किसके अंदर चेंज किया, cos में चेंज किया, फिर इसका हम आकलन करेंगे बेटा। तो इसका हम आकलन करो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष आकलन करने पर। तो मैं इसका x के सापेक्ष आकलन करूं, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर, देखो ऊपर वैल्यू क्या है अंश, नीचे वैल्यू क्या है हर, तो अंश बटे हर वाला फॉर्मूला से। तो अंश बटे हर वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, चूंकि dy अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी इज इक्वल टू, यू का मतलब है अंश, वी का मतलब है हर। ओके, तो क्या होगा आपके पास फॉर्मूला, हर इंटू अंश का आकलन माइनस अंश इंटू हर का आकलन बाय हर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो यहां इसकी इसकी तुलना करो, यहां यू का मान कितना है 1 माइनस कोस एक्स, वी का मान क्या है 1 प्लस कोस एक्स, यानी अंश तो है ऊपर वाली वैल्यू, हर है नीचे वाली वैल्यू, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। और वाई का आकलन कितना हुआ बेटा आपके पास, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूले वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू है 1 प्लस cos x इंटू dy dx इंटू 1 माइनस cos x माइनस u की वैल्यू 1 माइनस cos x इंटू dy dx ऑफ 1 प्लस cos x बाय 1 प्लस cos x की ऑल स्क्वायर। ओके, अब इसका हम आकलन करेंगे। तो इसका आकलन करें तो देखो क्या हुआ आपके पास, यह वैल्यू इंप्लाइज डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आकलन उसी का करते हैं जो वैल्यू डीवाई अपॉन डी एक्स के आगे जो वैल्यू होती है उसी का हम आकलन करते हैं। यदि डीवाई अपॉन डी एक्स के जो पीछे वैल्यू होती है उसका हम आकलन नहीं करते, ठीक है। तो ये वैल्यू तो सेम टू सेम आएगी, 1 प्लस कोस एक्स सेम टू सेम,
इंटू आउकलन किसका होगा, वन माइनस कोस एक्स। तो देखो डीवाई बाई डी एक्स इंटू वन माइनस कोस एक्स, पहले हम एक का आउकलन करेंगे, एक का आउकलन कितना होता है जीरो, एक क्या है अचर, और अचर संख्या का आउकलन कितना होता है जीरो, फिर बीच में क्या है माइनस। कोस का आउकलन क्या होगा, डीवाई बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, कोस एक्स का आउकलन होता है माइनस का साइन एक्स, और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस का साइन एक्स। ओके, फिर बीच में क्या आपके पास यहाँ माइनस माइनस लगा दो। डीवाई बाई डी एक्स की पहले वाली वैल्यू तो क्या रहेगी सेम टू सेम, इसका आउकलन नहीं होता है। आउकलन हम किसका करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स के आगे जो वैल्यू है उसी का हम आउकलन करते हैं बेटा। तो देखो पहले हम करेंगे एक का, एक क्या है अचर, और अचर का आउकलन कितना होता है जीरो। कोस का आउकलन कितना होता है माइनस का साइन एक्स, तो जीरो माइनस साइन एक्स। ओके, अपॉन में वन प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर। ओके, तो डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग। अब इसको सरल करो, वन प्लस कोस एक्स इंटू जीरो प्लस साइन एक्स कितना होता है साइन एक्स, माइनस वन माइनस कोस एक्स, जीरो माइनस साइन एक्स कितना होता है माइनस का साइन एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स, अपॉन में वन प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करो, इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करो, या फिर ये कर लो आप, इस पूरी वैल्यू में क्या कॉमन है साइन एक्स कॉमन है, तो साइन एक्स बाहर कॉमन ले लो बेटा, तो साइन एक्स कॉमन लिया हमने, यहां कितना बचा वन प्लस कोस एक्स, फिर प्लस यहां कितना बचा वन माइनस कोस एक्स, अपॉन में वन प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर, कोस से कोस क्या हुआ कैंसिल, और एक कितना हुआ दो, तो इंप्लाइज डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आया टू इंटू साइन एक्स अपॉन में वन प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर, यानी इस फलन का आउटलाइन आपके पास ही आया। ओके, तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया इसके अंदर, पहले से को हमने किस में चेंज किया कोस के पदों में, उसके बाद इसका एक्स के सापेक्ष आउटलाइन किया, तो कौन सा फॉर्मूला लगा अंश बटा हर, तो हर इंटू अंश का आउटलाइन माइनस अंश इंटू हर का आउटलाइन अपॉन में हर की स्क्वायर। ओके, आउटलाइन हम उसी का करेंगे जो वैल्यू डीवाई अपॉन डी एक्स के आगे जो वैल्यू होती है उसका आउटलाइन करते हैं हम, पीछे वाली वैल्यू तो क्या रहेगी आपके पास सेम टू सेम, फिर इसको हम सरल कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांच, लेट y इक्वल टू वन प्लस एक्स का रूट माइनस वन माइनस एक्स का रूट अपॉन में वन प्लस एक्स का रूट प्लस वन माइनस एक्स का रूट। ओके, अब यहां देखो इस वैल्यू को हम सरल करने से पहले, इसका हम आउकलन करने से पहले इसको हम थोड़ा छोटा रूप लेकर आएंगे, ठीक है, तो इसको हम छोटे रूप में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे हम इसको किससे गुणा करेंगे, इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे, यानी आंसर में आंसर हर को रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स से गुणा करने पर। ओके, यानी इस वैल्यू को ऊपर नीचे हम इसके नीचे वाले संयुग्मी से इसको गुणा करेंगे हम, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास इस जो वैल्यू आपके पास दी गई है इसको हम थोड़ा छोटा रूप बना के बनाएंगे, इसको छोटा रूप बनाने का मतलब यह है कि यदि इसका हम छोटा रूप बनाएंगे तो इसका आउकलन करने में हमें कुछ दिक्कत नहीं होगी आपके पास, इसका रूप छोटा बन जाएगा आपके पास। तो y इज इक्वल टू वन प्लस एक्स का रूट माइनस वन माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स का रूट प्लस वन माइनस एक्स का रूट इंटू वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स का रूट माइनस वन माइनस एक्स का रूट। ओके, अब ऊपर देखो आपके पास एक तो ये वैल्यू है
और एक आपके पास नीचे वैल्यू है। ऊपर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो a माइनस b दोनों वैल्यू सेम है, तो a इंटू ए कितना होगा आपके पास ए स्क्वायर, तो इसकी तो हो जाएगी स्क्वायर, तो 1 + x√(-1 − x)√2 अपॉन में, नीचे आपके पास किसका फॉर्मूला यूज हो रहा है, a + b (a − b) कौन सा फॉर्मूला, a² - b² a का मान तो है 1 + x√, b का मान है 1 − x√, a b, तो a + b (a − b) इसका मतलब हुआ a² - b² तो a² - b² फॉर्मूला a 1 + x√(2) - 1 − x√(2). अब ऊपर फॉर्मूला यूज कर दो, कौन सा बेटा a − b² का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a² यानी 1 + x√(2) की तो रूट कैंसिल 1 + x, फिर आपके पास बीच में क्या है माइनस, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 − x, फिर माइनस का 2√(1 + x)√(1 − x), क्यों a² + b² - 2a (b), तो a का मान 1 + x√, b का मान 1 − x√, मैं दोनों के ऊपर रूट एक साथ लगा दिया, ओके, और अपॉन में वैल्यू कितनी है बेटा, इसके ऊपर स्क्वायर लगाई तो रूट क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा 1 + x माइनस 1 − x√(2), तो देखो बाहर माइनस है अंदर माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + x, ओके, तो 1 से 1 क्या हुआ बेटा कैंसिल, ठीक, ऊपर देखो x क्या हुआ कैंसिल, एक रे कितना हुआ 2 − 2√, वापस इसमें फॉर्मूला a + b (a − b) क्या हुआ a² - b² यानी 1 − x², अपॉन में x कितने हो गए 2x, ओके। अब ऊपर हमारे पास कॉमन क्या रहा है, 2 कॉमन है, नीचे 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू क्या बची 1 − x²√(x), ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू, यानी फलन हमारे पास लास्ट फलन ये मिला। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, x के सापेक्ष, तो y का अवकलन क्या था कितना आया dy/dx = इसका अवकलन dy/dx (1 − x²√(x), इसका अवकलन करेगा। अब यहां देखो y का अवकलन dy/dx है, इसका अवकलन किया dy/dx ऑफ ये वैल्यू, ये देखो क्या है अंश बटे हर, ऊपर वाली वैल्यू तो क्या है बेटा अंश, और नीचे वाली वैल्यू क्या है हर, तो अंश बटा हर, और अंश बटे हर का फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो वो फॉर्मूला इसके अंदर हम क्या करेंगे यूज करेंगे, ओके। तो देखो इसके अंदर यूज किया हमने फॉर्मूला, तो वैल्यू क्या मिली आपको, यानी हर इंटू एक्स इंटू dy/dx ऑफ अंश का अवकलन, यानी हर इंटू अंश का अवकलन, तो 1 − 1 − x²√, फिर बीच में क्या आएगा माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन में हर की स्क्वायर। अब यहां देखो बेटा 1 − 1 − x²√ का अवकलन, तो इस वैल्यू का मैं अवकलन करूंगा, तो इसका अवकलन देखो क्या आएगा, इसको हम थोड़ा सा रफ कॉपी में निकालेंगे dy/dx (1 − dy/dx)√(1 − x²)/(1/2), इसका अवकलन कर रहा हूं मैं, इस वैल्यू का अवकलन कर रहा हूं, तो पहले तो dy/dx(1), फिर माइनस dy/dx (1 − x²)√(1), एक का अवकलन कितना होता बेटा 0, अचर संख्या, बीच में क्या है माइनस, इसका अवकलन मैं कितनी बार करूंगा 3 बार, इसका अवकलन कितनी बार होगा 3 बार, पहले किसका करेंगे हम 1/2 का अवकलन, फिर आपके पास किसका करूं 1 − x² का अवकलन, फिर आपके पास x² का, या फिर इसका एक साथ कर दो 2 बार हो जाएगा अवकलन, ओके। तो देखो इसको क्या मान लो पूरी वैल्यू को x, ये कितनी है पावर 1/2, तो देखो मैंने इसको पूरी को x माना, तो x^1/2, सूत्र कौन सा लगेगा x^n, फॉर्मूला क्या होता है nx n-1,
ओके, तो बाहर क्या है, माइनस इंटू, पहले तो इसका आउटलन करेंगे डी बाई डी एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एक बटा दो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, दो बार आउटलन, पहले तो मैंने किया घात का आउटलन, फिर अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर का, जीरो जीरो को छोड़ दो, बाहर माइनस है, इसके ऊपर पावर कितनी है एक बटा दो, इसको हम क्या मानेंगे एक्स, तो एक्स की पावर एन का आउटलन, और एक्स की पावर एन का आउटलन कितना होता है एन एक्स एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू कितनी है एक बटा दो, तो वन बाई टू इंटू एक्स का मान कितना है वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर एन माइनस वन यानी एक बटा दो माइनस एक, तो ये तो आधा है ये एक है, कितना बचा आधा माइनस का, फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन का आउटलन कितना होता है बेटा जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर का आउटलन कितना होता है माइनस का टू एक्स, एक्स स्क्वायर का आउटलन इसी फॉर्मूले से एक्स की पावर एन टू एक्स आ जाएगा। अब देखो इसकी पावर क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव करेंगे तो कहां आएंगे बेटा ये नीचे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं वन बाई टू इंटू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एक बटा दो पॉजिटिव इंटू जीरो माइनस टू एक्स कितना होता है माइनस का टू एक्स, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी आंसर क्या है और दो से दो कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आई एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एक बटा दो, तो ये तो इसका आउटलन हुआ किसका इस वैल्यू का आउटलन, ये आया हमारे पास ये वैल्यू यहां पुट कर दो तो बाहर एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एक बटा दो माइनस वन माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू एक्स का आउटलन कितना होता है एक, तो इंटू में वन अपॉन में बेटा एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसको सरल करो एक्स इंटू एक्स कितना होगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ माइनस, माइनस को अंदर भेजा तो वन, फिर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन में एक्स स्क्वायर, ओके। अब इसके नीचे कितना करो बेटा एक, इसके नीचे कितना करो एक, एलसीएम कितना आया ऊपर वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, देखो एक बटा दो का मतलब होता है रूट, तो ये तो इसका एलसीएम आ गया आपके पास ये वैल्यू। अब देखो इसका मैंने इसमें भाग दिया कितना आया एक, एक को एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, फिर प्लस एक का इसमें भाग दिया तो ये वैल्यू, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या है सेम, और सेम तो आपके पास रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखो एक्स स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल, कितना बचा ऊपर आपके पास वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स का मान, यानी इस फलन का आउकलन हमारे पास क्या मिला ये वैल्यू मिली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छह, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स डिग्री, ओके। अब यहां देखो ये डिग्री की फॉर्म में, तो इसको हम पहले हम x की फॉर्म में लिखेंगे, डिग्री को आकलन करेंगे तब, तो आप जानते हो चूंकि 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है पाई रेडियन होता है, ओके तो एक डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई अपॉन में 180 रेडियन, तो x डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास पाई x अपॉन में 180 रेडियन, ओके 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, एक डिग्री बराबर होगा पाई बटे 180 और x डिग्री बराबर कितना होगा पाई x अपॉन 180, यानी इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे x, ओके तो यहां पे लूप पुट कर दो x डिग्री की जगह, तो अतः y इज इक्वल टू
साइन पाई एक्स अपॉन में 180। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे इसका। तो अवकलन करो किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो वाई का क्या कितना आया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका देखो अवकलन कितनी बार होगा, दो बार। पहले तो किसका होगा, साइन का, फिर किसका होगा, पाई एक्स अपॉन 180 का। तो डी वाई डी एक्स ऑफ साइन पाई एक्स अपॉन 180 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स अपॉन 180। ओके, तो देखो साइन पाई एक्स अपॉन 180 का अवकलन किया हमने, तो साइन का अवकलन कितना होता है, कोस। साइन क्या की जो वैल्यू उसको हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, तो कोस और एक्स की वैल्यू कितनी है, पाई एक्स अपॉन में 180 इंटू, इसका अवकलन करो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स अपॉन 180। अचर संख्या तो कहां आ जाएगी, बार। तो पाई बटे 180 तो कहां आ गया, बार, पाई अपॉन में 180 बार। ओके, और एक्स का अवकलन कितना हुआ आपके पास, एक, क्योंकि x का अवकलन एक होता है, x की ऊपर पावर कितनी है, एक। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x की पावर n वाला। ओके, तो पाई बटे 180 बार आ गया। डी वाई डी एक्स ऑफ x का अवकलन कितना हुआ, एक, तो इंटू में 1, तो ये वैल्यू आएगी। तो इसका मैं क्या लिख सकता हूं, और पाई x अपॉन 180 को मैं क्या लिख सकता हूं, x डिग्री, क्या लिख सकता हूं, x डिग्री। तो पाई अपॉन 180 इंटू कोस x डिग्री, ये इसका हुआ अवकलन। ओके, क्यों, देखो पाई एक्स बटे 180 को मैंने एक्स डिग्री लिख दिया, और पाई बटे 180 बाहर है, तो कोस एक्स डिग्री इंटू पाई बटे 180, ये इसका क्या हुआ, अवकलन। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। वाई इक्वल टू लोग 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स का रूट, इसका हम अवकलन करेंगे। तो इस फलन का अवकलन करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यानी इसको पहले हम थोड़ा सा सरल करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, y इज इक्वल टू लोग 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, और इसकी पावर कितनी है, हाफ। रूट का मतलब कितना होता है, उसकी पावर 1/2। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा मैं, लॉग एम की पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एन लॉग एन, एम का मान, एन का मान कितना है, 1/2। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। ओके, वापस इसके अंदर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, लॉग एम अपॉन में एन, यानी लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम की वैल्यू है 1 माइनस कोस एक्स और एन की वैल्यू है 1 प्लस कोस एक्स। तो लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। अप्लाई करो बेटा फॉर्मूला, तो वाई इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर है, फॉर्मूला लगाए तो लॉग एम 1 माइनस कोस एक्स माइनस लॉग एन 1 प्लस कोस एक्स। ओके, अब इसका हम क्या करेंगे बेटा, अवकलन। अब ये हमारे पास फलन, यानी इसको हमने सरल किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई है, अब इसका हम अवकलन करेंगे। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, तो इसका हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष। तो वाई का अवकलन क्या होता है, कितना है, एक्स के सापेक्ष डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 बाहर रहेगा, क्योंकि ये तो क्या है, अच्छा पहले हम किसका अवकलन करेंगे, लॉग 1 माइनस कोस एक्स का, फिर किसका अवकलन करेंगे, लॉग 1 प्लस कोस एक्स का अवकलन। अब यहां देखो इस फलन का अवकलन हम कितनी बार करेंगे, दो बार, पहले तो लोग का करेंगे फिर 1 माइनस कोस एक्स, जैसे क्या होता है लोग एक्स, तो एक्स का मान कितना है,
वन माइनस कोस एक्स, लोग एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है वन प्लस कोस एक्स, तो पहले लोग का फिर इसका, पहले लोग का फिर इसका, ठीक है। तो क्या हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ लोग वन माइनस कोस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस कोस एक्स, पहले मैंने किया अवकलन लोग का अवकलन हो गया तो लोग को हटा दो, किसका करेंगे वन माइनस कोस एक्स, बीच में क्या है माइनस, वही कंडीशन इसमें, पहले हम अवकलन किसका करेंगे लोग का, तो लोग वन प्लस कोस एक्स फिर इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वन प्लस कोस एक्स का अवकलन, समझ गए। इस फलन का अवकलन दो बार होगा, पहले लोग का फिर वन माइनस कोस एक्स, पहले लोग का फिर वन प्लस कोस एक्स का अवकलन। अभी यहां देखो आपके पास लोग क्या की जो वैल्यू उसको हम क्या मानेंगे एक्स, तो लोग एक्स का अवकलन कितना होता है बेटा आपके पास, लोग एक्स का अवकलन वन बाई टू, लोग एक्स का अवकलन होता है एक बटा एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है वन माइनस कोस एक्स, तो क्या आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस कोस एक्स, फिर इंटू इसका अवकलन करो वन माइनस कोस एक्स का अवकलन किया तो वन का अवकलन किया तो कितना आया जीरो, माइनस कोस का अवकलन किया तो माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस का साइन एक्स, फिर माइनस, वही कंडीशन इसके अंदर देखो लोग क्या की जो वैल्यू उसको हम क्या मानेंगे एक्स, तो लोग एक्स का अवकलन कितना होता है वन अपॉन एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है वन प्लस कोस एक्स, फिर इंटू वन का अवकलन जीरो, फिर आपके पास देखो कोस का अवकलन कितना होता है माइनस का साइन एक्स, तो प्लस सही क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये इसका अवकलन आया। अब इसको और सरल करो, देखो जीरो प्लस साइन एक्स कितना होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स अपॉन वन माइनस कोस एक्स, तो वन बाई टू तो बाहर रहेगा, ऊपर क्या है साइन एक्स अपॉन में वन माइनस कोस एक्स। उसके बाद यहां देखो जीरो माइनस साइन एक्स कितना होगा माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स, तो प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू, अभी यहां देखो आपके पास इसके अंदर हम एलसीएम क्या ले सकते हैं, इसके अंदर एलसीएम क्या आपके पास, इसमें हम एलसीएम ले सकते हैं वन माइनस कोस एक्स और वन प्लस कोस एक्स, बाहर कितना है हाफ, इसका इसमें भाग दिया तो वन प्लस कोस एक्स आएगा, वन प्लस कोस एक्स को साइन से गुणा करो तो साइन एक्स इंटू वन प्लस कोस एक्स प्लस का साइन एक्स इंटू वन माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो साइन एक्स प्लस का साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन में, नीचे फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स वन बाई टू, ये वैल्यू क्या हुई कैंसिल, साइन साइन कितना हुआ टू साइन एक्स, नीचे देखो वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स फॉर्मूला किसका होता है साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन से साइन कैंसिल, दो से दो कैंसिल, नीचे क्या बचा वन अपॉन साइन एक्स, ओके इंप्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन साइन एक्स क्या होता है कोसेक एक्स, ये हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेवन कंप्लीट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, धन्यवाद।